रेडियो सचिन आप सभी से निवेदन करते हैं वॉइस बी फिल्म को सब्सक्राइब करें अभी। हाय हेलो गाइस, मैं रितिक और हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई पर्सनालिटी से बातचीत करेंगे। कोरोना की वजह से मैं घर पर हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको मेरे पड़ोसी हैरान चाचा से मिलवाया जाए। देखिए, नाम हैरान है तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितने लोगों को हैरान करके रखा होगा। हैरान चाचा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि हम उनकी वीडियो बनाने वाले। क्या है ना कि उनको चिढ़ छूटती है, गुस्सा आता है। का बेटा, का दिक्कत आ रही? हाँ, अरे टाइम पास नहीं हो रहा है चाचा, तो सोचा आपसे बात कर ली जाए। आइए बैठिए। तुम्हारा बुद्धि में नहीं घुस रही हाँ? जो कोरोना फैल रहा हो। अरे चाचा, चार दिन की जिंदगी है, एक दिन तो सभी को मरना है, क्या टेंशन लेना चाचा। आप सम्मान मम्मान तो देने नन्या, ऊपर से भाषण पेल रहा है। मतलब जो ही पढ़ला लिख रहा है, बड़े के पाँव नहीं छुए जा, छुप पाँव। छूने से कोरोना का डर है ना चाचा, इसलिए आ पाँव छुए से आदमी के पाप धुल जाते हैं, जो तुमको पता है हा? नहीं ना। क्या चाचा, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, कुछ भी मतलब। काई काकाई बच्चा आ, मन रोज तो इतने बड़ा आदमी बच्चा तो खा रहा है, करे तो जाई के ला इंग्लैंड गाओ तो है। और क्या, ऐसी बातें तो बच्चे ही करते हैं। हसरा हम तुम्हें शराब दें दे। मैं हवा नाव का हैरान चाचा महेंद्र पात्र ऋतिक को शराब देता हूँ, का इन्हें जान बजे से हमारे पाँव नहीं छुए, बा बजे से इन्हें कोरोना हो जाए। मैं लगा सरा, मैं लगा चैन। अच्छा छोड़ो, मैंने सुना है कि आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ हैं, कौन आओ साक। तो फिर आपने 22 तारीख को क्या क्या बजाया था? अरे बेटा, सब कछु बजाओ, भगोना सिलेंडर कटोरा चमचा, बस सोई दिक्कत आ गई हाई तुरंत आई। फिर क्या हुआ? सोई तुम्हारी चाची ने हमें बजा दो। सुना है आजकल चाची नजर उतार रही है लुक्का भैया की, क्या बात है? किसी भूत का साया है क्या आपके लड़के के ऊपर? भूत को नहीं, पुलिस को। क्या मतलब? अरे हुआ क्या तुम्हारे लोका भैया, लोका तो रथ है बिन में बाजार चले गए, बस उतर तुम्हारे मौसिया ठाड़े थे पुलिस वाले, बिन तुम्हारे भैया को बजा लगे लठ बजा लेता। अन्य मोदी जी को समर्थन करो, जो बात तुम समझ हो बात को, हमारे मोड़ा को मारो कुछ बात नहीं तो फिर सही हो जाए। तो फिर भैया ने बताया क्यों नहीं कि उन्हें बुरी नजर नहीं लगी थी, पुलिस वालों के डंडों से मार पड़ी थी हमारे बजे से। क्यों, आपने मना क्यों किया? कहे के तुम्हारे भैया को बचा रहे हम नहीं पहुंचा हो तो घुटका ले, हमने तुम्हारे भैया को चेतावनी दी
कि अगर तुमने अपनी मम्मी को बताया तो हम अपने पैसा से कमाई हुई रोटी सब्जी तुम्हें नहीं देंगे। और तुम तो जानते हो कि लॉकडाउन ने तुम्हारे भैया को बेरोजगार कर दिया। ओ माय गॉड, चाचा आप तो बहुत चालाक हो। जैसे तो बेटा तुम हमें चाचा के अच्छा चाचा ये बताओ, कल मोदी जी ने फिर से 9 मिनट के लिए लाइट जलाने को बोला है, तो इसमें क्या फायदा है? दिमाग नन्या का दिमाग लगाओ। बताओ ना चाचा प्लीज। अंग्रेजी मैं बात कर रहा हूँ, बदतमीज। कृपया कर कारण बताने का कष्ट करें। पहले भैरव करो, कोरोना को अब अंधा कर देंगे। और चीदो 14 तारीख को तेरवी को भंडार है, जो सीक्रेट प्लान है, समझ रहे? तो जो होशियार नहीं को पता है और कब खुलना। अच्छा आपको चीन के लोगों से कुछ कहना है? बहुत सारी के चीन के चाइना वाले लोगों से हम बच्चों के बचा रहे के भज्जा, जो दिवाली की लाइट नन्नक मोबाइल फोन है तो तुम्हारे 10-15 दिन में मार्केट में वायरस को नव वर्जन अपडेट करके पेल दे। अबे वो कोरोना नहीं थम पा रहा तो तुमने पीछे से पेल दो। तो हमने 10-15 दिन से गुटखा नहीं खाओ, जो बात की सीरियसनेस समझ रहे तुम और नहीं समझ पा रहे। अच्छा और बताओ चाचा, आजकल तो घर पे बहुत आराम हो रहा होगा। कत गो आराम है, जब पति पत्नी संग रहता नहीं तो जो समझ लो वो कम सो आ जाए। अब समझ में आ रही कि बेटा बिग बॉस में बड़ी चौड़ी छाती को आदमी ही रह पाता। बुते तो 13-14 रत लेकिन जब घर है 3 पर 3 और 4 पर 4 रत नहीं तो जो समझो एक आध दो को तो निपट नहीं है। खल्लास जना तुम संस्कारी परिवार कह रहे बिन में अगर भूसा लाते ना चल जाए तो हम से कहना तुम। लॉकडाउन के बाद कुछ लोगों का डिवोर्स आप पक्का समझिए। बाहर जो तो पुलिस तो वहाँ फुलटा समझते और घर अगर हीरो बने तो घर वाले तुम्हारी ढोलक सी बजाते। जैसे बेटा कायदे में रहो तो फायदे में रहो। अबे दरोगा साहब जो बैठा है मिल गया यहाँ पे, जो बैठा है। ए मैया हम तो बतावा ही भूल गए थे, हम कोरोना के मरीज हैं। हे गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऋतिक की तरह गलती बिल्कुल ना करें, ना बाहर जाएं किसी से मिलने, ना किसी को जाने दें, घर पर ही रहें और सेफ रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।